हरि कथा हमारा विशेष अधिकार है, प्राण मात्र का विशेष अधिकार है। कलयुग में बड़ी विडंबना है, हम अपने आप को सनातनीय तो कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, परंतु हिंदू और सनातन होने का गर्व और अहंकार होने पर भी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस प्रकार से कोई खिलाड़ी यदि खेल नहीं जानता तो खिलाड़ी नहीं है, जिस प्रकार से कोई वैज्ञानिक यदि विज्ञान नहीं जानता तो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक इसी प्रकार से यदि कोई हिंदू या सनातनी जो अपने आप को कहता है वो यदि वेदों को नहीं जानता, वो यदि रामायण को नहीं जानता, वो यदि गीता को नहीं जानता, वो यदि उपनिषद को नहीं जानता, तो वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, नाम मात्र का हिंदू है। इतनी महान भूमि भारत भूमि में भी अपने होंगे, यदि हम वेदों को नहीं पढ़ते, गीता रामायण को नहीं पढ़ते, संतों का आदर नहीं करते, तो हम सब हिंदू तो छोड़ मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं। भारत में हमारा जन्म हुआ तो भी सौभाग्य प्राप्त होते हुए भी हम ऐसे महान संतों का सानिध्य प्राप्त होने पर भी ठीक उस प्रकार से जैसे बालक के हाथ में कोई मणि आ जाए और मणि खेलते खेलते उनको कहीं गिरा दे, ऐसे ही हमारा जीवन हमारे सामने साक्षात गुरु के प्रकाश हरि के प्रकाश गुरु हमारे सामने होने में भी हम पहचान नहीं पाते और उस मणि को हम छिटक करके फेंक देते हैं और हमारा जीवन जो है बिना बात बेकार चला जाता है। तो आज हम महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि हरि चर्चा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मनोहर लीलाओं को भी श्रवण कराएं। और गुरुदेव का महाराज श्री ने बहुत सेवा किया है, हम उनसे निवेदन करेंगे गुरुदेव की जो भी आपने सेवक में या उनकी कीर्तन करते हुए कथा कहते हुए जो कुछ भी अनुभूतियां आपको हैं कृपा करके उन्हें प्रकट कीजिएगा। आज आपसे भी निवेदन है जो ग्रामवासी हैं जो गुरुदेव के बारे में कुछ कुछ उनके बारे में जानते हो वो भी ये हमारा चार दिवसीय जो हरिकथा और गुरु गुण कीर्तन किया महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें आप सबको भी मौका मिलेगा कि कुछ कुछ आप ही निवेदन कीजिए, कुछ कुछ उनको श्रद्धांजलि शब्दों की पुष्पांजलि दीजिए जिससे वो आप पर पूर्ण तरीके से हर्षित होकर कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए समय बहुत बीत गया, मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि कथा को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद गुरुदेव कृपा कर अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी
तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदादौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगंत श्रीराधाका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतई नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर करके बोलिए सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन एवं तिवारी कुल के समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम करता। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो तिवारी कुल के जो भक्त लोग हम लोग अपने आप का साधारण मत समझो इसका इकोतरा काम कर दो माइक वाले काम आप लोग जो तिवारीपुर में जन्म ग्रहण हुए हो आप लोग अपने आप को साधारण मत समझो आप बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि आप लोग इसी गांव में आप लोगों ने जन्म ग्रहण किया क्योंकि भागवत में भगवान नरसिंह देव कहते हैं अगर किसी वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण हो गया एक कोई संतन जन्म ग्रहण करे तो उसका कितना लाभ है बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा वसुधैव
नृत्यन्ति स्वर्गी पितरी पितरे सा जैसाम कुले वैस नव नाम अभेयर। अगर जिस गांव में जिस खानदान में एक वैष्णव संत जन्म ग्रहण करे उसका क्या लाभ है, बोले उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। कितने पीढ़ी उधार हो जाती है बोलो सबके साथ, 21 पीढ़ी उसकी उधार हो जाता है। बोले कुलम पवित्रम। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले जननी हितार्था। जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते ही उसको पिता माता की गर्भ भी धन्य हो जाता है। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितर पितरे सा। जो पूर्वज लोग पहले चले गए, जो लोग पूर्वज लोग सबके सब पहले चले गए हैं, जब देखते हैं उनकी वंश में कोई एक संत जन्म ग्रहण कर लिया, बोले नृत्यन्ति, वो वहीं पर हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। बोले देखो हमारी अहोभाग्य है, हमारी वंश में एक संत ने जन्म ग्रहण किया। लगता है जो तिवारीपुर आप लोग जो सब तिवारी है, पहले एक घर होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पुत्र परिवार में से बड़े हुए होंगे। इसलिए मानो आपकी जितने पूर्वज लोग हैं वो सबके सब स्वर्ग में वो हाथ उठा उठा करके नृत्य करते हैं, हमारी अहोभाग्य है हमारी वंश में एक संत ने जन्म ग्रहण किया। बोले चौथा लाभ क्या है, बोले वसुंधरा बसतिश्च धन्या। जिस पृथ्वी में बा जिस गांव में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है तभी वो वसुंधरा वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। ये भगवान श्री नरसिंह देव कह रहे हैं, बल्कि किसको कह रहे हैं, बल्कि ये प्रह्लाद कहते हैं। जब भगवान नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया, भगवान बोले प्रह्लाद में से तो जो वर मांग ले, बोले प्रभु जी अगर वर देना चाहते हो मेरे जो पिताजी बड़े दुष्ट थे राक्षस थे मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। तब ठाकुर जी ये बात कहते हैं, बोले तुम्हारे पिताजी की बात क्यों कहते हो, अरे तेरा तो त्रिसप्त भी पिता पुत्र, तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार हो गए, तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार हो गए, तुम पिता माता के नाम क्यों कह रहे हो। इसलिए आप लोगों जो तिवारीपुर में जन्म हुए हो जरूर आप लोगों का पूर्वजों ने बहुत कोई अच्छा कर्म किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान खुद कहते हैं। आप लोग जिस परिवार में जन्म हुए जिस गांव में समझो तुम्हारे गांव धन्य हो गया, क्यों, यहाँ पर एक संत ने जन्म ग्रहण किया है, एक संत ने यहाँ पर जन्म ग्रहण किया है। इसलिए बड़े भाग्य से कोई संत जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे पुराण में बताए जब कोई संत ऐसे हाथ उठा करके प्रभु का प्रेम में नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवताओं का भी कल्याण होता है। कहते इनका दृष्टि जितना दूर तक इनकी दृष्टि जाए, इनकी दृष्टि से जितने तरह का दुख कष्ट क्लेश सबके सब खत्म हो जाती है। जब वो प्रभु का प्रेम में नृत्य करते हैं उनके चरण की स्पर्श पा करके ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। इतने महिमा एक संत जन्म ग्रहण करेगा करने का। इसलिए ये समझो हमारे जो बड़े गुरु जी आपका गांव में जन्म ग्रहण किया है बड़े भाग्य से है। इसलिए एक बार आप लोग आपके जो तिवारीपुर में जो जन्म हुए हो जो तिवारीपुर वासी आप आपके लिए जोरदार ताली बजाओ सबके सब जोर से, बोले श्री तिवारीपुर के भक्त वृंद की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री तिवारीपुर के भक्त वृंद की। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में मैया कुंती ये बात को कहती हैं, बोले कृष्णा जिसको अंदर में एक गुण आ जाए ना वो तेरा भजन नहीं करेगा, अगर किसको अंदर में चार गुण आ जाए तो वो कोई भक्ति करेगा नहीं। बोले क्या किया है, बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद पुमान। लेकिन जिसको अंदर में चार गुण आ जाए तो कोई भक्ति नहीं करेगा,
लेकिन हम देखते हैं हमारे जो महाराज जी है श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। यदि ये जो महापुरुष है बोले जन्म बोले कहाँ पर जन्म हुए हैं बोले बक्सर में। बोले ये बक्सर है क्या चीज आपको पता है? यहाँ पर स्वयं भगवान राम लक्ष्मण और सीता ये वनवास में आए। यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ स्थल विश्वामित्र जी की यहाँ स्थान है, इसलिए यहीं पर विश्वामित्र रह करके भगवान राम की भक्ति करते थे हैं। और विशेष करके पास में श्री गंगा देवी प्रवाहित हो रही है और यहीं पर ही भगवान ने अहल्या को भी उद्धार किया था और यहीं पर उन्होंने ताड़का को भी ठाकुर जी ने वध किया। इसलिए इसी दृष्टि से अगर देखोगे हमारे जो गुरुदेव यहाँ पर जो जन्म ग्रहण करते हैं बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति जन्म लेते हैं, साधारण व्यक्ति यहाँ जन्म नहीं ले सकते। जिनकी कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होगा तभी समझो ये स्थान पर कोई जन्म ग्रहण करेगा। यद्यपि आप लोग आपकी महिमा नहीं जानते हो लेकिन सब देवता लोग जानते हैं आप लोग इतने सौभाग्यवान जो कि बक्सर में और तिवारीपुरी ग्राम में जो जन्म ग्रहण किए हो। इसलिए हमारे महाराज जी ये तिवारीपुर फिर कौन सा वंश में जन्म हुए महापुरुष? साधारण घर में नहीं, ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण भी छोटे मोटे होते हैं लेकिन तिवारी ये ब्राह्मण का जो उच्च ब्राह्मण में भी उच्च वंश तिवारी वंश है, ये भी ब्राह्मण में भी उच्च वंश है। इसलिए भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण कहते बोले नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कहते नमो ब्रह्मण देवाय। बोले भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ब्राह्मण का देवता है। ठाकुर जी स्वयं सुदामा जी की ब्राह्मण की चरण बैठा है। ठाकुर जी स्वयं इनकी चरणामृत स्वयं ठाकुर जी चरणामृत लेते हैं, इसलिए भगवान ब्राह्मण का देवता है। बोले ब्राह्मण कौन होते हैं? बोले जन्मा नाना ब्राह्मण गुरु। भगवान जो चार वर्ण उन्होंने सृष्टि किया है शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जितने वर्ण में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। कहते वर्ण में गुरु कौन है? ये श्री ब्राह्मण लोग गुरु है। इसलिए श्री महाराज जी कौन सा वंश में जन्म ग्रहण किए? ये ब्राह्मण घर में जन्म लिए। ये भी कोई साधारण भाग्य से कोई जन्म ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लेते हैं गुरु जी, ब्राह्मण वंश में जन्म हुए। बोले जन्म बोले ऐश्वर्य, आप लोगों को पता होगा आप लोग सुने होंगे हमारे श्री महाराज जी उसी समय में जो नौकरी करते थे पुलिस में और पुलिस अफसर में थे, साधारण घर में नहीं साधारण परिवार में नहीं। पैसा के लिए आप लोग हिंदू लोग आपको पता होगा अगर कोई पुलिस अफिसर हो जाए ना इतने पैसा रिश्वत में आता है, इतने पैसा नहीं चाहने पर भी रिश्वत में इतने पैसा आती है। इसलिए अच्छे खानदान में किसी तरह की अभाव नहीं है, किसी तरह का अभाव नहीं। जो उच्च पोस्ट ब्राह्मण और श्री पुलिस में अफिसर में उन्होंने काम करते थे। ऐश्वर्य मतलब होता है पैसा, पैसा की किसी कमी नहीं। इसलिए गुरुदेव ने जिस समय उन्होंने संन्यास ग्रहण किए संसार छोड़े उसी समय में भी गुरुदेव कितने कम उम्र में, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे 26 साल उम्र में महाप्रभु जी सब छोड़ करके संन्यास ग्रहण किया है। हमारी महाराज भी जैसे महाप्रभु अपने सुंदर श्री विष्णु प्रिया को परित्याग करते हुए उनने संन्यास ग्रहण किया, हमारे श्री महाराज श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी इन्होंने भी कम उम्र में पत्नी बच्चों का मोह परित्याग करते हुए उनने जो संन्यास ग्रहण किया है ये कोई साधारण बात नहीं। आप लोग भी घर गृहस्थी करते होंगे है कि नहीं? घर गृहस्थी कोई संभव है 26 साल उम्र में बीवी बच्चों को छोड़कर संन्यास लेकर जाए? ये कोई संभव है बताओ? ये संभव नहीं। इसलिए ये संभव हुआ है वो जो महापुरुष थे वो कोई साधारण व्यक्ति
नहीं थे, यद्यपि देखते हो हमारे परिवार में जन्म हुए हैं, जैसे भगवान मत्स्य अवतार में मत्स्य कुल में जन्म हुए, जैसे कुर्म अवतार में भगवान कुर्म रूप में जन्म हुए, जैसे भगवान वराह अवतार में सुअर में जन्म हुए हैं। इसका मतलब क्या, वो कि कोई छोटे हैं कोई नहीं, ठाकुर जी स्वयं कृपा करके उसी अवतार में आए हैं। इसलिए हमारे जो महाराज जी थे, इन्होंने जो आप लोगों का वंश में आए हैं, ये समझो हमारी धन्य करने के लिए, हमारे घर में ये हमको धन्य करने के लिए जन्म हुए। इसलिए जन्म ऐश्वर्य बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है विद्वान। आप लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं, महापुरुष महाराज को दर्शन किए हो? कौन कौन दर्शन किया, हाथ उठाओ तो, महाराज को कौन कौन दर्शन किए हो? अरे हाथ उठाओ जोर से, माताएं, कौन कौन माताएं दर्शन किए, दर्शन किए ना आप लोगों ने? दर्शन आपने नहीं किया बाबा, दर्शन हाथ उठाओ। हाँ, इसलिए कहती जो महापुरुष है जन्म अश्रुत, आपको पता नहीं, लेकिन हम तो गुरु जी के पास में हम लोग आए, गुरु जी के चरण में रहे, गुरु जी का दर्शन किया है, हैं? हम लोगों ने स्वयं देखा है। कहते मैं तो रहता था और कहीं, लेकिन मेरी मन में बड़ी इच्छा होती थी, मैं भगवान की कथा सीखना चाहता हूँ, ठाकुर जी की कथा सीखना चाहता हूँ। हमने पता लगाया इस समय में ऐसे कौन महापुरुष है जो बड़े सुंदर कथा करते हैं और दूसरों को भी भगवान की कथा सिखाते हैं, कोई है? हमें पता चला मथुरा में ऐसे एक व्यक्ति है जिनका नाम श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, बहुत बड़ा पुरुष है, जो सभी बच्चों को अपना बच्चे जैसे पालना करते हैं और सभी को भगवान की कथा सिखाते हैं। मैंने सुन करके ही उनकी शिष्यता में आया, और थोड़ी बहुत जो बोलने के लिए हम प्रयास करते हैं, यही महापुरुष का आशीर्वाद है, जो थोड़ी बहुत हम सीखने के लिए, हमने वह बोलने के लिए प्रयास करता हूँ, ये महापुरुष का कृपा है। वो इतने बड़े विद्वान थे महाराज जी, इतने बड़े विद्वान, केवल हम ही आए ऐसे बात नहीं, कहते पृथ्वी के जितने बड़े से बड़े संत हैं, पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी, आप लोग तो पता होगा यहाँ पर कुछ अंग्रेजी लोग आते थे, देखे कि नहीं अंग्रेजी लोग, आप लोग संपूर्ण पृथ्वी के लोग जिनके प्रति आकृष्ट होकर के, जिनकी कथा सुन करके, जिनकी विद्वता को देख करके, संपूर्ण पृथ्वी का लोग जिनके चरण में आकृष्ट हुए, और ये सब के सब ये महापुरुष के शरण में आए, और इनसे दीक्षा मंत्र लेकर के उन्होंने जगत में भक्ति प्रचार किया, सर्वत्र उन्होंने भजन किया। इतने बड़े ये महापुरुष है। बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, जोर से बोला, जोर से बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए ये महापुरुष, कहते ये महापुरुष ऐसे विद्वान थे महापुरुष, कहते श्री श्री गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, सब पीछे पीछे ताली बजा देगा, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण बोल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की राधा रानी की जय महारानी की जय राधा गिरिधारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल राधा रानी की जय महारानी की
मैं बोलूंगा वृंदावन में, अब लोग मेरे पीछे पीछे बोलना राधे राधे। क्या बोलेंगे माताओं? पीछे आवाज आ रही है? जो पीछे बैठे हो माता जी, आवाज आ रही है कि नहीं? सबके पास में आ रही है पीछे तक कि नहीं? हर कुछ बोल नहीं रहे हो? अब लोग हिंदी समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ठीक है, सब पीछे पीछे बोलो। बोले वृंदावन मेरा रे, सेवा कुंज में बोलो गायन करी बोलो गायन करी बोलो कुंज गली में बोलो बरसा बोलो चाची पोरत बोलो चीची चाओली में बोलो राजू राजू प्रेस बोलो ताल बजाती ताल बजाती आजे बोले इसे बोला बोला बोले मेरा बोला सबसे बोला जोर से बोला अरे बहुत बोला अरे बहुत बोला अरे राजी राजी अरे राजी 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 जय जय श्री राम। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। तिवारीपुरी के भक्त वृंद की जय। इसलिए कहते हैं कुंती मैया कहते श्री श्री मतलब होता है देखने में सुंदरता। आप देख रहे थे पीछे देख रहे थे आप महाराज को, जब मैं सबसे पहले मंदिर में आया महाराज को देख के मैं पहचान नहीं पाया ये अंग्रेजी ना तो ये भारतीय है। महाराज का जो रंग इतने गौरव वर्ण इतने सुंदरता देखने में थे गुरु जी, मैंने सोचा ये कोई अंग्रेज लोग हैं, इस याद कोई भारत के नहीं, वो देखने में कितने सुंदर थे महाराज जी। इसलिए इनके अंदर में जो चार गुण ना मैया कुंती कहती है, जो जन्म सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म, प्रतिबारी गांव में जन्म, ऐश्वर्य मतलब किसी चीज में कमी नहीं, धन दौलत में कमी नहीं, श्रुता मतलब ज्ञान, श्री मतलब सुंदरता, ये चार गुण में ये महापुरुष परिपूर्ण थे। लेकिन करते रहते हुए भी इन्होंने जो भगवान की भक्ति की ना, अगर ये कोई साधारण घर में जन्म होते तो ये कोई साधारण व्यक्ति होते कोई प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते थे। ये मैया कुंती स्वयं कहते हैं, इसलिए समझे ये महापुरुष बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। हमारी वैष्णव जगत में गुरु जी का इतना नाम था आपको तो इतना पता है नहीं, हम तो वहां रहते थे सिर्फ पूरा वृंदावन में इनका नाम, श्री जगन्नाथपुरी में इनका नाम, नवद्वीप धाम में इनका नाम, केवल ये तीनों धाम नहीं जिनका नाम संपूर्ण विश्व में। अभी अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, फ्रांस जाओगे, रशिया जाओगे, अमेरिका किसी देश में भी जाओगे, भक्तों को घर घर में महाराज की तस्वीर मिलेगा, गुरु जी की पूजा होते हुए तस्वीर आपकी, ये घर घर में इनकी पूजा हो रही है।
इसलिए जो तिवारीपुर में आप लोगों को जो जन्म हुए हो बहुत भाग्यवान है, आप सबको प्रणाम है, क्योंकि हमारे गुरु जी गांव में जन्म हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी गुरु जी की गांव में गए जहां पर उनकी ईश्वरपुरी जन्म हुए थे, महाप्रभु जा करके तो वो जमीन पर लौटपोट खाने लग गए, बोले क्यों, बोले हमारे गुरु जी यहाँ पर जन्म हुए और वहां पर रोने लग गए, मेरे गुरु जी यहीं पर जन्म हुए। जब वहां से गए ना, वहां से मिट्टी को वो उन्होंने इनकी मिट्टी को उन्होंने लेकर के कपड़े में बांध करके लेकर गए, रोज रोज वो मिट्टी को लगाते थे और उसको खाते थे, क्यों, जहां पर मेरे गुरु जी जिस गांव पर जन्म हुए। इसलिए आप लोगों को इतना पता होगा कि नहीं, उसी समय में हमारे जो बड़े गुरु जी थे महाराज जी, संपूर्ण जितने ब्रज मंडल में जितने बड़े बड़े विद्वान थे, वहां पर जितने बड़े बड़े विद्वान थे सबके सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के उनको उपाधि दिया। बताए क्या उपाधि है, बोले युगाचार्य। बोले कलयुग में ये जो महापुरुष जन्म हुए हैं ये युग का कोई एक विशेष आचार्य हुए, एक महान पुरुष इस जगत में हुए, बड़े बड़े विद्वान मिलकर के उनको ये उपाधि में उनको विभूषित किया, बड़े बड़े विद्वान मिलकर के। साधारण विद्वान किसको उपाधि दे कोई बात नहीं, लेकिन ब्रज के वहां के जो पंडित लोग होते हैं ना, ब्रजवासी होते हैं, कहते भैया कृष्ण जगत गुरु, लेकिन कृष्ण का गुरु भी हमें, कहते कृष्ण के झूठा जुनिया खाते हैं, कृष्ण हमारे झूठा खाते हैं, ये ब्रजवासी किसको पूजा करने वाले नहीं है, जितने बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन ये ब्रजवासियों ने मिल करके जिसको इतने बड़े उपाधि दिया, आप सोच नहीं सकते। हम वहां पर स्वयं मैं वहां पर उपस्थित था जिस समय गुरु जी को संपूर्ण फूलों से गुरु जी को अभिषेक किया गया, बहुत बड़े स्थान पर जहाँ ललिता सखी जन्म ग्रहण की है, श्री बलदेव प्रभु का स्थान, वहां पर सारे विद्वान मिलकर के फूलों से अभिषेक करते हुए श्री महाराज को युगाचार्य की उपाधि दी। बोले श्री युगाचार्य महाराज की, बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो चार दिन जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे, इसलिए ये प्रोग्राम को करने आते हैं। जब यहाँ पर मैं जब और थोड़ा छोटा था और प्रभु जी का जो गोविंद के जो पिताजी थे, मेरे को बहुत बोले एक बार तिवारीपुर गांव में आओ, एक बार तिवारीपुर गांव में आओ। मैंने भी बहुत बार कोशिश किया लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन इसी बार गुरु जी की विशेष कृपा हुई तो मैंने भी कोशिश किया आप लोगों को दर्शन करे जो तिवारीपुर गाँव के, और तिवारीपुर गाँव पे जो भक्त लोग का जन्म हुए हो, हमारी सौभाग्य हुआ है आप लोगों को दर्शन करने के लिए। इसलिए मैं तो अहोभाग्य समझता हूँ जो कि आप लोगों को दर्शन हुआ है जो तिवारीपुर के भक्त वृंद, ठीक है। और इसी ये जो साल है ये विशेष साल है, बोले क्यों, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना ये 100 साल गुरु जी को हुआ है, इसी जो साल में गुरु जी के 100 साल हुआ है, ये सेंटेनियर के लिए केवल आपकी तिवारीपुर में कथा नहीं, संपूर्ण विश्व में इसी पूरा संपूर्ण जो साल है, संपूर्ण विश्व में सबके सब लोग एकत्रित होकर के बड़े धूमधाम से गुरु जी की पूजा हो रही है, गुरु जी की कथा कर रहे हैं, सारे विश्व में गुरु जी की जय जयकार हो रही है। इसलिए आप सबको प्रणाम है, जो लोग तिवारीपुर में जन्म ग्रहण किए हो आप लोग बड़े भाग्यवान हो। हाँ, इसलिए और एक बार आप लोगों के लिए आप लोग ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, पीछे माता है ताली की बजाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 4 दिन है कुछ कुछ भागवत कथा भी सुनेंगे और कुछ कुछ गुरु जी की कथा को रोज रोज थोड़ी थोड़ी गुरु जी की हम कथा सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम श्रीमद भागवत कथा थोड़ी सी हम लोग श्रवण करेंगे, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिखी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, बोले जन्मांतरी भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सौभाग्य कब होता है? बोले एक जन्म नहीं, जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हो, तभी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जीव की सौभाग्य प्राप्त होता है, साधारण भाग्य से नहीं होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, बोले स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते आज जो सौभाग्य, इसका इको इतना कम कर सकते हो, इसका इको कम कर दो, इको इसका इको इतना हरे कृष्णा। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने को सौभाग्य नहीं होता है। इसलिए जिस समय से सुखदेव गोस्वामी ये परिहित को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में स्वर्ग से 33 करोड़ देवता, जिन जिन देवता को हम पूजा करते हैं, वो सबके सब अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, ये परिहित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया, इसलिए तो सुनाने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये अमृत कलश ले, ये पूरा के पूरा परिखित को पिला दो, अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो कथा सुनाने जा रहे हो, ये कथा हमें सुना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले को काच को मणि महान। बोले मूर्खो देवता, भगवान की कथा ये श्रीमद् भागवत कथा को साधारण मत समझो। ये भागवत कथा स्वयं कृष्ण ही है, ये भगवान कृष्ण ही जीव की कल्याण करने के लिए बोले तेन अयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। भगवान कृष्ण ही हमारी कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी स्वयं जगत में अवतीर्ण हुए हैं। बोले भगवान ये कथा रूप में क्यों आए? बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिदेशः कलौ नष्टादृशामेश पुराण अर्कोऽधुनादित। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव भी थे। बोले ठाकुर जी, आप तो ये मर्त्य जगत में छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं किसका आश्रय लेकर के रहूं? बोले कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में जा रहा हूं, कलियुग में इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में रह रहा हूं। अगर कोई कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा, बोले भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। इसलिए जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, वो साक्षात श्री ठाकुर जी से इनके मुलाकात हो रही, भगवान से ही मिल रहे हैं। भगवान से मिलना कथा सुनना कोई अलग बात नहीं। इसलिए जो व्यक्ति ये कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा, वो जरूर ठाकुर जी को ही प्राप्त करेगा। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कहते ये देवता लोग आए अमृत लेकर के, लेकिन उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने का मौका नहीं मिली। इसका तात्पर्य है, जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा सुनते हैं, कहते वो देवता से भी ज्यादा पुण्यात्मा है। कहते स्वर्ग अमृत पीने से क्या होगा? बल पुण्य क्षय होगा, लेकिन भागवत कथा सुनने से क्या होगा? पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। इसलिए कहते भैया स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग में तो ये कथा है ही नहीं। बोले स्वर्गे सत्ये च, ये ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कथा है तू भी
बना बिहारी जो जितने जोर से ठाकुर को जय देगा ना, ठाकुर को थोड़ी जय, ठाकुर को जय जय नहीं है, लेकिन कहते जो ठाकुर को जितने जोर से जय देगा उसको उतना पाप खत्म होगी और इतना भक्ति बढ़ेगी और उतना तुम्हारी दुख कष्ट दूर जाएगी। इसलिए एक बार जयकार दो जैसे छत उड़ जाए, अब पता चले ये तिवारी पूरी गाँव में कथा हो रही है। ठीक है, जोर से बोलो
बोले श्रीमद भागवत कथा भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। बोले श्री बारी पूर्व गांव वासी भक्त वृंद की जय। हाँ देखो यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कहीं ये भगवान की कथा होना कहां से लोग आते हैं, बोले ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी वहां से दौड़ दौड़ करके कथा सुनने के लिए आते हैं, ब्रह्मलोक से भी आते हैं कथा सुनने के लिए। हैं अब लोग कितने दूर से आए कथा सुनने के लिए, बोलो कितने दूर से आए, कोई आधा किलोमीटर कोई एक किलोमीटर है, अब लोग अड़ोसी पड़ोसी से ही कथा सुनने के लिए आए, लेकिन ब्रह्मलोक से ब्रह्मा भी ये कथा सुनने के लिए आते हैं ठाकुर जी। लेकिन ये ब्रह्मा की बात छोड़ दो, अगर कहीं हरी चर्चा हो भगवान की कथा हो, शंकर भी कभी ये कैलाश छोड़ करके शंकर भी आते हैं। देख गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बोले एक बार त्रेताया जो एक बार इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले त्रेता युग में एक समय शंकर जी और अकेले नहीं अपना पत्नी सती को लेकर के अपना पति सती को लेकर के भगवान की कथा सुनने के लिए कहां से आए, कैलाश से। कहां पर आए, ये मरते जगत में। बोले किसकी चरण में, बोले श्री अगस्त ऋषि के चरण में कथा सुनने के लिए आए। और उन्हें भगवान की कथा सुन करके जब जा रहे थे, बोले कथा सुनने का फल क्या है, बोले प्रभु का दर्शन, ठाकुर जी की दर्शन। जब जा रहे थे ना, इतने में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया था। अभी शंकर जी श्री भगवान राम स्वयं हाँ सीते बोल करके लता पता सबको पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो। शंकर जी ने ये लीला देख करके बड़े मुग्ध हो गए, बोले जो घटघटवासी जो भगवान राम सभी के हृदय में जो बैठे हैं, देखो ठाकुर जी कितने प्यारे लीला कर रहे हैं। लेकिन ये सीता थोड़ी कहीं गए हुए, क्या सीता तो उनके साथ साथ में ही है। अब रामायण देखे ना, टीवी में रामायण देखे वो कौन कौन टीवी में रामायण देखे, हाथ उठाओ तो। सीता को कहाँ रखे थे, अग्नि को पास में रख करके ठाकुर जी अग्नि को शरण में दिए। रावण ने जो सीता को उठा कर ले गए तो छाया सीता थी, वो असली सीता थी वो नकली सीता थी। रावण उसी सीता को उठा करके ले गए थे, लेकिन राम को क्या पता नहीं, वो तो स्वयं अग्नि को पास में रखे थे। इसलिए शंकर जी ने सोचा प्रभु की देखो कैसे विचित्र लीला है, जो घटघटवासी सीता जिनको कभी छोड़ करके जाती नहीं, क्योंकि शक्ति शक्ति मगर अभेद, ठाकुर जी कितने विचित्र लीला कर रहे हैं। इतने में शंकर जी दूर से उन्होंने प्रणाम किया प्रभु राम को। इतने में सीता के मन में सती के मन में शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, जो राम की कथा हमें सुनाते रहते हो, ये क्या वही परम ब्रह्म पराग पर यही कोई राम ना, ये कोई साधारण जीव है, क्योंकि मेरे को पता है वो नकली सीता वो भी अभी अशोक वाटिका में, अगर ये भगवान होते इनको क्या पता नहीं। लेकिन शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया सती नहीं समझी, बोले मैं लिखी पड़ी ऐसे में समझ गया, मैं परीक्षा करके देखू। आप लोग रामायण देखे होंगे, माता सती ने सीता के रूप धारण करते हुए परीक्षा करने के लिए गई, भगवान राम पहचान गए तो उन्होंने सीता को
उन्होंने सती को परित्याग कर दिया पत्नी रूप में। अभी पत्नी की आसन नहीं देते हैं, कथा नहीं सुनाते हैं, इसलिए सती को प्राण त्याग करना पड़ा लांच कर। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो भगवान शंकर जी को भी कथा सुनना हो तो कैलाश छोड़ करके इस मरते जगत में आते। बोले भैया शंकर जी की बात छोड़ दो, कैलाश में तो कथा है ही नहीं। बोले वैकुंठ नास्ते अब रस, कहते ये जो रस है आज जो भाग्य हमें मिला है, कहते भैया ये कथा वैकुंठ लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भले गया वो गरुड़ा जहाँ बस एगो सोड़ा, गया वो गरुड़ा जहाँ बस एगो सोड़ा, गया वो गरुड़ा जहाँ बस एगो सोड़ा, देखो ये तिवारीपुर के लोग कितने भाग्यवान किए थे इनका सब। कहते ये देवता को अगर ये भगवान की कथा सुनना हो, ये स्वर्ग छोड़कर कथा सुनना आते। अगर ब्रह्मा जी को कथा सुनना हो, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर कथा सुनने आते हैं। शंकर जी की कथा सुनना हो, वो कहाँ छोड़ करके, कभी कैलाश छोड़ करके आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर गरुड़ जी को कथा सुनना हो, हनुमान जी की कथा सुनना हो, कभी ये वैकुंठ छोड़ करके कथा सुनने कहाँ आते हैं मरते जगत में। लेकिन देखो जो तिवारी वासी के भक्त लोग बैठे हो, आप लोगों को कुछ छोड़ना पड़ा, बोलो घर छोड़ना पड़ा आप लोगों को। अरे बोलो कुछ बोल नहीं रहे, आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते वृंदावन से आपकी घर को सामने आ गई, हाँ घर के सामने आ गई, और हम अपना घर में बैठ बैठ करके कथा रूपी गंगा में हमने गोता लगा लिए। समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि आज ये कथा रूपी रस में स्नान कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यवान समझो, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, कथा सुनना। और जो कल है ना, गुरु जी कहते थे जब दूसरे बार आओ दूसरे दिन में 10-10 भक्तों को बुला बुला कर ले आना। कितने कितने भक्तों को लाओगे, अरे बोलो जोर से कुछ। देखो गुरु जी कहते थे अगर किसी व्यक्ति को अगर पाप कर्म में प्रवृत्त कराओ तो उसको पाप लगेगा, अगर किसको शराब पिलाया, किसको चोरी काम में प्रवृत्त कराया उसको पाप लेना पड़ेगा, अगर किसको प्रभु की भक्ति मिला है प्रभु की भजन है उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। गुरु जी कहते थे जिनको आप भगवान की कथा में लेकर के आओगे ना, उसको जितने पुण्य मिलेगी उसको आधा पुण्य जो लाने वालों को आधा पुण्य मिल जाएगी, ठीक है ना। कल 10-10 भक्तों को साथ साथ में लेकर के आना। देखो कितना बड़ा नाट मंदिर बना है, किस लिए, भगवान की कथा हो, हरी चर्चा हो, है। इसलिए देखो शंकर जी क्या कहते हैं, सो ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बोले सत्संगति Oh,
इसलिए गोस्वामी शंकर जी कहते पार्वती ये जो सत्संग है और ये भगवान की जो कथा है पार्वती ये जगत में दुर्लभ है। माता जी बैठ जाओ, बात जब कथा हो ना कथा में नाचना। माता जी जब ठाकुर जी का नाम हो ना तब खड़े होकर नाचना, अच्छी बात। कम से कम माता जी की अंदर में भावना तो आई, माता जी के लिए ताली बजाओ। माता जी कम से कम इसकी हृदय में भावना आई भगवान की कथा में नाचे। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। माता जी की जय। इसलिए ठीक है माता जी बैठो। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती इस जगत में जो सत्संग है जो भगवान की कथा है पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है पार्वती। देखो देखो अच्छे तरह से सुनो माताएं जो पीछे बैठे हो, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। ये शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं। अगर साधारण में कोई व्यक्ति बोले ना हम उसकी कोई महिमा नहीं कहते, लेकिन जब शंकर जी कोई बात को कहते हैं जरूर तो उसमें दम है। शंकर जी कहते पार्वती सत्संग दुर्लभ है, तो माता पार्वती कहती है बोले प्रभु दुर्लभ कहाँ है। देखो सुलभ है ना, तिवारीपुरी गांव की कथा हो रही है और हमारे कबीर प्रभु बड़े प्रचेष्टा करते हुए बोले गुरु जी की शतवार्षिकी है, अच्छे तरह से कोशिश करो इसी साल जैसे गुरु जी के उपलक्ष्य में कथा हो। और ये कहाँ से आए, ये दिल्ली से आए, मेरठ से आए, वहाँ से इतना दूर तक आए। चिराग प्रभु जी को देखो वो भी अच्छे, वो भी ब्राह्मण करके हैं, इतने लिखे पड़े वहाँ पर भी आकर के ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें यहाँ पर थोड़ी हरि कथा सत्संग हो जाए। इसलिए माता पार्वती कहती है बोले प्रभु जी आप कहते हो ये सत्संग दुर्लभ, दुर्लभ कहते सुलभ हो गया, सत्संग हो रहे कि नहीं। लेकिन देखो शंकर जी क्या कहते हैं बोले पार्वती बोले आप शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर्व अति कठिन है। अगर कहीं सत्संग कथा होना पार्वती यहाँ सहज में कोई लोग नहीं आएंगे। अगर किसको पता चले यहाँ ऐश्वर्या राय आ रही, हेमा मालिनी यहाँ पर आई, अमिताभ बच्चन आ रहा है, शाहरुख खान और सलमान खान यहाँ आए, अगर पता चले ये गांव में ये हीरो हीरोइन कोई आ रहे हैं, आप लोग बताओ यहाँ प्यार रखने का जगह मिलेगी। बोलो आप लोग जोर से बोलो, कितने कितने दूर से, पता नहीं कितने कितने दूर से लोग आएंगे। अरे अमिताभ बच्चन आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, शाहरुख खान आ रहे, कितने दूर से लोग आएंगे। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती अगर कोई सत्संग हरि कथा होना पार्वती यहाँ पर सहज नहीं आएंगे। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले आप तो यही सर्व अति कठिनाई, कितने बहाना बनाएंगे, ये काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था, ये काम पड़ गया था। लेकिन हीरो हीरो ही नहीं आए तो बोले कि भाई काम पड़ गया था, भागते भागते आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, फिर पार्वती फिर प्रश्न करती है बोले प्रभु ये मेरे सत्संग में कौन कौन आते हैं, ठाकुर जी की कथा में कौन कौन आते हैं। शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर
शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की जिसको ऊपर बड़ी कृपा बोले पार्वती, वही व्यक्ति ये सत्संग में आते हैं। जैसे मानो आपके घर में कोई शादी हो रही है, घर में कोई शादी हो रही है, आप बताओ उसमें कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दो, अगर वो व्यक्ति विदेश में रहता क्यों नहीं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस में भले कोई नौकरी करता है, आपका घर में कोई शादी होगा तो अगर निमंत्रण दे वो आएगा कि नहीं? वो आएगा। लेकिन आपके घर को पास में कोई व्यक्ति है लेकिन आप उसको निमंत्रण नहीं दिया, आप बताओ आपके घर में वो आएगा? आपके घर में बताओ वो आएगा कि नहीं? वो नहीं आएगा। क्यों? आपने उसको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन विदेश में क्यों नहीं, वो वहां से आएगा? देखो शंकर जी खुद कहते बात को, बोले हे पार्वती ये भागवत कथा में सत्संग में वही आ सकता है जिसको ठाकुर जी निमंत्रण दिया, ठाकुर जी जिसको निमंत्रण दिया पार्वती वही आ सकते हैं। इसलिए जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी वही व्यक्ति ही ये सत्संग में भगवान की कथा में आ सकते हैं। इसलिए मानो ठाकुर जी आप जितने कथा सुनने के लिए आए ना, ठाकुर जी आप सबको निमंत्रण दिया है इसलिए आप लोग आए हो। इसलिए आप लोग के लिए ताली बजाओ जो कि कथा में जो आए हो सत्संग में, जोर से ताली बजाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी आपको प्रश्न हो सकता है, भैया हम सत्संग में क्यों आएंगे? यहाँ बैठ हम दो दो घंटा तीन तीन घंटा यहाँ बैठेंगे, हैं? दो दो तीन तीन घंटा बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? यहाँ बैठ करके हमें क्या लाभ मिलेगा? आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये कितने तक कथा होने पर आप बैठ सकते हो, कितना समय तक बैठ सकते हो? आप लोग बोलो गांव के, पता है कितने समय तक आप लोग बैठ सकते हो कथा में? उतना समय तक हम कथा सुनाएंगे, उसके बाद में फिर आपको छोड़ देंगे। कितने समय तक बैठ सकते हो बोलो जोर से, बोलो बोलो सबके सब, कोई बात नहीं ना, नहीं तब तब भी हम कोशिश करेंगे आपको टाइम से आपको छोड़ देंगे, क्योंकि सबका घर में काम है, बाताएं तो रोटी पानी बनाएगी सबके सब, हैं? इसलिए आपको समय, अपना समय से जितना समय तक आप सुनोगे उतना समय तक सुनाएंगे, उसके बाद में आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि देखो देखो ध्यान देकर सुनो माताएं, भाई लोग ध्यान देकर सुनो, ये जो भगवान की कथा है ना, ये कथा को बताया ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब होता है अगर ये कथा को कोई ध्यान से सुने, सही सही मन लगा कर कथा सुनोगे ना, आप जो कुछ ये कथा से मांगोगे आपको वही मिलेगा। ये भाग पद्म पुराण में कहते हैं जो रोगी है ये कथा उसको निरोग प्रदान करेगा, जो दुखी है कथा उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन है ये कथा उसको धन प्रदान करती है, जिसको संतान नहीं उसको ये कथा उसको संतान प्रदान करती है। आप अगर ये कथा को आप देखना नियम से आप कथा सुनोगे ना, एकदम अच्छे पक्के नियम से सुनोगे आप, ये जितने दिन कथा होगी अगर सही सही कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी आपको सारी इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं जितना समय आप सुन सकते हो उतना समय आप कथा सुनाएंगे, फिर आप लोग हम छोड़ देंगे, ठीक है माताएं?
सुन रहे कि नहीं माताएं जो पीछे बैठे हो, इसलिए आपको हम और आधा घंटा कथा सुनाएंगे, ठीक है। और हम चिराग प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसलिए देखो ध्यान देकर सुना। अभी प्रश्न होता है हम क्यों दो दो तीन तीन घंटा यहाँ पर सुनेंगे बैठ करके, अगर ये समय को अगर घर में किसी काम काज में लगाए हमें कुछ लाभ होगा, तब तो यहाँ पर क्यों दो दो तीन तीन घंटा बैठ कर क्यों अपना समय को हम नष्ट क्यों करें। तब भागवत में राधा रानी खुद कहती है ये कथा सुन, जो सुनेगा उसको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा बोलो जोर से, कितना लाभ होगा? सात लाभ होगा। आज ये क्या सात लाभ होगा मैं बोलूंगा, लेकिन कल आपसे सुनूंगा। बच्चों लोग ध्यान देकर सुनूंगा, ठीक है बच्चों, अच्छे तरह से मन लगा कर कल जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ये कथा सुनकर क्या सात लाभ है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। चिराग आ जा, थोड़ी कथा सुना दो, मैं लास्ट में सुना दूंगा। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा के बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं विनाशस्य ज्ञानं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम करुणावरुणालयं क्षीरं नद्या चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं समस्त गुरु परंपरा सभी जय युक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव नवीन प्रभु जी, उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी, सभी उपस्थित माताएं बहने प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप लोग पहचानते हो मुझको, आप लोगों के तिवारीपुर मंदिर में कुछ समय पहले मैं ही पुजारी था, इसीलिए हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने तो गुरुदेव के मुख से बहुत बार कथा को श्रवण किया है, आज फिर से सौभाग्य मिला है कि गुरुदेव के मुख से कथा श्रवण करें। गुरुदेव बार बार अभी बोल रहे थे कथा गंगा कथा गंगा कथा गंगा बोल रहे थे ना, कथा गंगा। देखो ये बात सत्य है, हम लोग गुरुदेव अब हमें कथा सुना रहे हैं। देखिए कथा सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी वास्तव में ब्रह्मलोक को परित्याग करके भगवती महासरस्वती के साथ कथा में आते हैं, और भगवान शंकर अपने कैलाश का परित्याग करके भगवती महागौरी के साथ कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। हमारे बड़े महाराज जी कहते थे, भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे, देखो आप लोग सोच रहे हो, देखो कोई कथा में कुछ लोग बैठते हैं तो कोई सोचता है कि कुछ लोग बैठे हैं लेकिन आधी जगह खाली है, पर हमारे महाराज जी कहते थे कि ये जो आधी जगह खाली है ना, इसमें बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इस कारण से आज भी उपस्थित और भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी परम कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी, वो तो साक्षात यहाँ पर ही मित्र पुत्र यहाँ पर ही विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं। देखिए कथा रूपी गंगा में कौन कौन स्नान करता है, कई देर हो गई कथा सुनते सुनते, तो एक भगवत भजन है बहुत सुंदर, उसी को ही सुना देता हूँ। माता जी तनी नाचो ना, आओ। हाँ कृष्ण कथा गंगा
भैया, इसलिए सब लोग स्नान करते हैं। देखो, हम लोगों को भगवान की कथा की महिमा नहीं पता, और पता भी है तो भी हम लोगों के कृत पाप जो है मायावश हम लोगों को नहीं उत्तित करते भगवान की कथा में आने के लिए। क्यों? क्योंकि माया का इतना ज्यादा प्रभाव है। भगवान साक्षात कुंती जी कह रही है भगवान से, माया जमनी का भगवान वंशी लेकर के खड़े हुए, बार भगवान
देखो आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने गोविंद नाम कितने लोगों ने सुना होगा, रोज गाते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, सब लोग गाते हैं। गोविंद जो शब्द है गोविंद, उसमें जो वी है वी, उसका अर्थ संस्कृत में है वृद्धि लाभ, मतलब वृद्धि लाभ मतलब गोविंद उसको कहते हैं जिसको अपनी कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। भगवान को भी अपनी कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है, इसलिए उनका नाम गोविंद है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। इस कारण से जब भगवान को देखो, जब भगवान को अपनी कथा सुनना कितना प्रिय लगता है, तो हम और आपको क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का नाम, देखिए भगवान का नाम इतना आवश्यक है लेना इस समय, क्योंकि भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई और गति है नहीं, हमारी कोई भी गति नहीं। भगवान का नाम कितना कितना उज्जवल है जानते हैं आप लोग? एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति को शमशान में ले जाया जा रहा था, किसी व्यक्ति को शमशान में ले जाया जा रहा था। तो शमशान में ले जाते हैं तो क्या बोलते जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो जब लेकर के जा रहे थे तो साक्षात शंकर जी के नेत्र खुले, तम तम तटम तम तटम तटम तम, भगवान की भोहें, शंकर जी की भोहें बिल्कुल स्थगित हो गई। और जैसे ही स्थगित हुई, शंकर जी ने कहा मेरे प्रभु का नाम कौन ले रहा है, कौन ले रहा है। तो शंकर जी ने अपने नेत्रों से अवलोकन करते हुए देखा, अच्छा इस मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं, इसीलिए ये सब पीछे पीछे बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो शंकर जी बोले, वाह यार ये तो मुर्दे ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, जितने इसके साथ लोग चल रहे उन सबको भगवान का नाम बोलना सिखा दिया, उन सबकी वजह उस मुर्दे की वजह से सब लोग भगवान का नाम बोल रहे हैं। तो भगवान शंकर भी उनके पीछे पीछे चल दिए, वो बोल रहे जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। और शंकर जी भगवान के नाम की महिमा जानते इसलिए आनंदित हो गए। तो इसलिए जब शंकर जी पहुंचे शमशान में, सब लोग पहुंच गए शमशान में। अब शमशान में जैसे ही पहुंचे तो सब लोगों ने मुर्दे को रखा, जो डेड बॉडी थी, जो शव था उसको रखा, रख करके जलाया। और जला करके जब आधा आधा जल चुका था, जब आधा क्रिया हो गई थी, तब सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, अरे क्या बतावे हम लोग, हमको तो आज बड़ा काम था, पर क्या करें हमारे पड़ोसी ठहरे इसलिए आना पड़ा। कोई कह रहा था अरे क्या करें बच्चों को स्कूल से लेने जाने, कितनी देर का और प्रोग्राम है, कितनी देर और चलेगा, मतलब कब तक खत्म होगा। तो शंकर जी सोचे ये क्या बकवास कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तब जब पूरा का पूरा पूरा का पूरा जल गया था मुर्दा, मतलब राख बच गई थी उसकी, तब उसके बाद सब लोग अपने घर में चले गए। तो शंकर जी ने क्या देखा, देखो शंकर जी ने सोचा कि जितने ये मुर्दा जल रहा था उतनी देर यहां पर लाया गया, उतनी देर राम जी के नाम की गूंज हुई, तो राम जी के नाम की जब गूंज हुई तो इस मुर्दे की वजह से हुई, इसलिए ये जो शमशान है इसके अंदर इसको ले जाया गया, इसलिए भगवान शंकर का एक स्वरूप शमशान में प्रकट हो गया। बोले मैं यही रहूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से भगवान का नाम सभी को सुनाया जाता है, सभी लेते हैं, इसीलिए भगवान शंकर को कहते हैं ना, तस्य करले शमशान वासिनौ तरुत्रैया। वेद का उपाख्यान है, जब वेद में रुद्र की स्तुति होती है। तो यही कारण है शंकर जी को भगवान का नाम कितना प्रिय है, कितना प्रिय है, पर हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं, इधर उधर की बातें करके पर श्री भगवान का नाम नहीं लेते हैं हम लोग। भगवान का नाम ऐसा अमोघ अस्त्र है भैया, जो चाहो भगवान के नाम से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, आप जानते हैं आप लोगों को तो पता नहीं क्यों नहीं आप लोग मंदिर की आरती में आते हो, शाम को कुछ माताएं आती, आधे तो आते ही नहीं, आते बाहर बैठ करके गप्पे मारते हैं, आधे लोग आते नहीं है, बोलना पड़ता है, और बोलते हैं उसके अगले दिन तो वो भी नहीं आते, फिर जब आरती खत्म हो जाती है उसके बाद बैठते हैं। नहीं भैया, आप लोग जानते हो आरती की महिमा क्या है, सुनो आप लोग आरती की क्या महिमा है। एक चूहा था तो वो श्री कृष्ण के मंदिर में गया। जैसे ही श्री कृष्ण के मंदिर में गया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक दीपक रखा था,
वहां पे एक दीपक रखा था, तो उसने क्या किया, वो दीपक दीपक जला हुआ था, तो उसमें घी था, और जब घी था तो उसने क्या किया, चूहे ने उसको घी के घी को खाने के लिए उसने अपना मुंह मारा, तो मुंह मारा तो उसका मुंह जल गया, और जैसे ही चूहे का मुंह जला तो वो नाक वो अब किसी का होंठ जलेगा मुंह जलेगा तो वो नाचेगा उसको दर्द होगा, तो वो नाचने लग गया चूहा उछल उछल के। तो सामने जो ठाकुर जी खड़े हैं ना, वो ठाकुर जी देख रहे हैं कि देखो मेरी आरती में कितना नृत्य कर रहा है, तो भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं। ऐसी आरती की महिमा है, भगवान की आरती की इतनी महिमा है। पर आप लोग आरती में नहीं आते हो, भगवान की आरती होती रहती है, आप लोग आते नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। देखो महाराज जी, आप लोग महिमा जान नहीं रहे ऐसे संत की, बहुत उच्च श्रेणी के आप लोग, बहुत वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो कि महाराज जी के समकक्षी हो, महाराज जी के जन्म के क्षेत्र में आप लोग हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, बल्कि हम लोगों से तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। आप लोग भगवान की आरती का दर्शन, परम मंगलमय आरती का दर्शन सदा मंगल मंगल करता है, आप लोग अवश्य आओ। अरे गुरुदेव की जन्मस्थली है, गुरुदेव का मठ है, गुरुदेव का ही मठ है, गुरुदेव के ही ठाकुर जी है। वो बात देखो, वो सामने एक पैर से टेढ़े पैर करके, टेढ़ी टांग करके एक पैर पे श्री गोविंद खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं बुलाने के लिए, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारे सारे के सारे दुखों को मैं भंजन दुखों का नाश कर दूंगा, आओ तो सही। आप लोग जरूर आरती कीर्तन में आओ, आरती की जब तक आप लोग कीर्तन में भी नहीं तो कोई बात नहीं, पर भगवान की मंगलमय आरती हो तो आरती में जरूर आओ, भगवान की आरती का दर्शन करने अवश्य आओ। जिसने भगवान की आरती के दर्शन जो नित्य प्रति करता है उसका कभी भगवान अमंगल नहीं करते, उसका सदैव मंगल ही मंगल रहता है। भगवान की आरती की ऐसी दिव्य महिमा है, ऐसी दिव्य प्रतिभा है भगवान की आरती की। दूसरी बात भगवान का नाम, तीसरी बात आप लोग तो वैसे ही पुण्यात्मा, देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े संत यहाँ पर विराजित हैं, हमारे महाराज जी तो हैं ही हैं, बक्सर वाले मामा जी भी सब लोग जानते ही हो, उनका तो विवाह महोत्सव होता है, वो इस क्षेत्र में उनका जन्म वो बता रहे। और महाराज गुरु जी ये जो तिवारीपुर है ना, बक्सर वाले मामा जी की ससुराल है, ये ससुराल है उनकी, ऐसे दिव्य संत की ससुरा हो, बताओ ऐसे दिव्य संत आते हैं आप लोग यहाँ पे, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। भगवान की कथा की महिमा अनंत है, भगवान की कथा में, भगवान के लीला चरित्र में आप लोग सभी गोता लगा रहे हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करके तरुवश्य कृपास बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय ताली बजा दो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सनी गौर भक्त वृंद। एक बार आप सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार वापस सारे बोलिए, पीछे वाले लोग तो एकदम मुंह बंद करके बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्यनिरामिष्टम विष्णुपादाश्रम दर्शन श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव विश्वास नवीन प्रभु जी, समस्त वैष्णव वैष्णवी दिवाली पर राम के समस्त भक्त वृंद, सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आयोजन यहाँ पर गुरुदेव की शतवार्षिकी को उपलक्ष्य करके हो रहा है और उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। इस भागवत कथा की इतनी महिमा है इसलिए कहते हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयः। ये भागवत कथा यद्यपि हम गुरुदेव की शतवार्षिकी को उपलक्ष्य करके ही चार दिन का अनुष्ठान रखा गया है, लेकिन क्या ये केवल मात्र चार दिन श्रवण करने की वस्तु है? कहते हैं नहीं, श्रीमद् भागवत कथा के लिए बतलाया है सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती वार्ताम यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयः। ये भागवत कथा की इतनी महिमा है, इसको एक दिन दो दिन या चार दिन श्रवण करने की वस्तु नहीं, सदा सेव्याम अर्थात सब समय श्रवण कर लीजिए, हर दिन भागवत की नित्यम भागवत सेवया, भागवत की नित्य सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस भागवत ग्रंथ के अंदर परमारंभम श्री गोविंद के महिमा कीर्तन है, उनके इतने सुंदर सुंदर चरित्र है और उनके भक्तों की चरित्र है। भागवत का अर्थ क्या हुआ? बताया है दो भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो साक्षात कृष्ण है ना, पद्म पुराण में वर्णन आता है ये भागवत ग्रंथ साक्षात कृष्ण की ही वाणमय स्वरूप। और तो और भागवत को बताया, भागवत के जो 12 स्कंद है ये 12 स्कंद साक्षात कृष्ण ही। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुरियो कथितो यदुरु। श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान के दो चरण कमल, ये प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के दो चरण कमल है। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद ये दोनों भगवान के गुरु, भगवान के गुरु है। और उसके बाद में पंचम स्कंद भगवान का नाभि कमल, षष्ठम स्कंद भगवान का वक्षस्थल, सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान के दोनों भुजाएं, नवम स्कंद भगवान का कंठ और दशम स्कंद सुंदर मुखारविंद, 11वां स्कंद भगवान की ललाट और 12वां स्कंद मस्तक। तो ये 12 स्कंद भागवत के अंदर जो विराजमान है ये साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए भगवान जब ये जड़ जगत छोड़कर अपने निज धाम को गए उस समय पर उद्धव जी से कहकर गए कि मुझे और भागवत को अभिन्न जानना, ये भागवत साक्षात कृष्ण ही है। आप देखना जब भागवत का अर्चन होता है साक्षात कृष्ण अर्चन के स्वरूप है। इसलिए बताया ये तो हुआ ग्रंथ भागवत और दूसरा हुआ भक्त भागवत। भक्त भागवत का अर्थ क्या हुआ? भगवान के जो शुद्ध भक्त है, क्योंकि भगवान की महिमा भक्तों से है और भक्तों की महिमा भगवान से है। अगर कहीं पर एक राजा जा रहा है तो कहीं राजा अकेला तो जाएगा नहीं, राजा के साथ उसकी प्रजा निश्चित रूप में होगी ही। उसी समान ग्रंथ भागवत के अंदर भगवान के दिव्य गुणों का तो महिमा कीर्तन है ही, उसी के साथ साथ उनके भक्तों का भी चरित्र है, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान अपूर्ण है, भगवान की महिमा उनके भक्तों से ही है। इसलिए हम ये भागवत ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, इसकी अनेक महिमा है। कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयः, अरे इसका यदि हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे, भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे। अभी प्रश्न उठता है भगवान हमारे हृदय में क्या आएंगे? हमारे हृदय में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कितने सारे गंदी चीजें भरी हुई है, कितने सारे अनर्थ से कलुषित है हमारा हृदय, तो क्या इसमें भगवान का आगमन होगा? कहते हैं हाँ, इसके श्रवण करने मात्र से क्या होगा, हम
जब इन कानों से भगवान की कथा सुनेंगे तो कृष्ण इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आ जाएंगे। उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र हमारे घर में आया, हमारा घर बड़ा गंदा पड़ा है, हमारा घर बहुत गंदा है, लेकिन जब वो हमारा प्रिय मित्र हमारे घर में आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इसने मेरे लिए घर साफ किया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करेगा, अपनी जेब से रुमाल निकालेगा, एक चेयर साफ करी और स्वयं वहां पर बैठ जाएगा, होगा ना। वो अपेक्षा नहीं करेगा कि ये मेरे लिए चेयर साफ करके दे या स्थान परिष्कार करे, तब जाकर मैं यहाँ पर आसन हूँ। उसी प्रकार भगवान क्या है, हमारे परम सूर्य हैं, और भगवान की कथा के माध्यम से जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, यद्यपि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि सब अलर्ट हैं, लेकिन हमारे परम सूर्य होने के कारण वे स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होंगे और क्या होगा, समस्त हृदय को परिष्कार कर देंगे। हमारे हृदय में जब भगवान की भक्ति विराजमान हो जाएगी तो भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव है कि सारे दोष अनायास ही दूरीभूत हो जाएंगे और कृष्ण वहां पर विराजमान हो जाएंगे। कृष्ण जो कि साक्षात आनंद कंद है, जब वे हृदय में आ गए तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। सबकी चेष्टा है जिनको आनंद में रहने की, है ना, कोई दुखी होना नहीं चाहता, सब चाहते हैं हम सुखी रहे। तो इसको उपाय क्या है, कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो। और विशेष करके ये भागवत कथा श्रवण करने का तो द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में बताया कि इसकी इतनी महिमा है, भगवान हमारे हृदय से जाएंगे ही नहीं, भगवान हमारे हृदय से जाएंगे ही नहीं। कहते हैं जैसे कोई एक व्यक्ति किसी कमरे के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके और उसने क्या किया, कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उसी प्रकार कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान जब हमारे हृदय में आविर्भूत होंगे तो वे स्वयं हरीश कहते हैं अवरुद्ध हो जाएंगे। हृदय अवरुद्ध से अत्र, अवरुद्ध मतलब जैसे आप लोग अभी यहाँ पर विराजमान है, आप लोग अवरुद्ध नहीं है, जिसकी जैसे इच्छा होगी मानो तब उस समय पर उठते और जा सकता है। लेकिन अगर हम ये गेट बंद कर दें, अगर हम द्वार बंद कर दें, कहते हैं कि 7 मिनट से पहले दरवाजा नहीं खुलेगा, तो उस समय पर आप अवरुद्ध हो गए, आप यहाँ बैठने के लिए बाध्य हो गए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं और जाने के लिए चिंता ही नहीं करते। ये श्री भागवत कथा की महिमा है। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की जय। और कथा यदि हम हृदय देकर सुने, पूरे एक मन से सुने, तब तो उसकी महिमा ही क्या है। हम पद्म पुराण के जो महात्म है उसके अंदर आगे श्रवण करेंगे, जब गोकर्ण ने धुंधकारी के उद्धार के लिए कथा सुनाई, उस समय पर केवल मात्र एक ही रथ आया, एक ही रथ पहले आया, तो वहां पर विष्णु दूतों से गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं कि आप एक ही रथ क्यों लेकर आए हैं, हरि कथा तो सभी ने श्रवण करी। तो समय पर विष्णु दूत कहते हैं कि हरि कथा सबने श्रवण नहीं करी, क्यों, क्योंकि सब यहाँ पर शरीर से तो बैठे थे, मन से यहाँ पर विराजमान नहीं। यहाँ पर भी कुछ कुछ श्रोता होंगे जो बैठे तो यहाँ है लेकिन चिंता किसी और चीज का कर रहे हैं। सावधान कर देते हैं विष्णु दूत, देखो कि अगर भागवत कथा में बैठे हो, अगर हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, मन भी उसी स्थान पर रखो, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तब हमारे लिए भी रथ आएगा, विष्णु दूत स्वयं हमारे लिए रथ लेकर आएंगे और हमें भी अपने धाम को लेकर चले जाएंगे। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने का पक्का नियम बता दिया, एक श्लोक के माध्यम से हमको श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना मन दोष जयश्चैव कथायां निश्चलां गति। भागवत कथा श्रवण करने की विधि यहाँ पर बता रहे हैं। देखो सबसे पहली बात विश्वास गुरु वाक्येषु, जो हम हरि कथा श्रवण करने जाएंगे, हम 3-3, 4-4 कथा यहाँ पर बैठेंगे, तो जो कथा व्यास है उनको व्यास कथन शुद्धे गोस्वामी से अभिन्न जानकर उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु, ऐसा नहीं कि भागवत कथा के अंदर जो प्रसंग वर्णित है या जो शास्त्र में जो भी सारी बातें कही हैं उनको मनोकल्पित मान के और उस पर ध्यान नहीं देना, कहते नहीं, पूर्ण रूप में विश्वास रखते हुए व्यास के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हरि कथा का श्रवण करो। और विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भाविना, दीनहीन भाव से, बड़े दीनहीन भाव से हरि कथा का श्रवण करो, किसी अहंकार को लेकर नहीं। अरे हमने भागवत कथा कितनी बार श्रवण करी है, क्या क्या प्रसंग है हमें सब पता है, नहीं सुनेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। कहते हैं उदाहरण देते हैं, कथा को श्रवण करना चाहिए हनुमान जी के समान। हनुमान जी कौन है, सुन रहे थे ना अभी, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम,
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ हैं उनके समान, लेकिन राम कथा के रसिया कोई नहीं था। जब जब भी राम जी की कथा होती है कहते हैं जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। भगवान जी उतने हनुमान जी उतने ही स्वरूप धारण करके और भगवान राम की कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और किस तरह से बाष्पवायु परिपूर्ण लोचनम, आंखों से अश्रु बहाते हुए बड़े दीनहीन भाव से जब उस स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान को प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पर भगवान की चर्चा हो रही हो उस स्थान भी साधारण नहीं, उस स्थान की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं, उस स्थान पर प्रणाम करते हैं। वहां पर जो जितने श्रोता है उन सभी श्रोता को भी प्रणाम करते हैं, जिनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान है हरि कथा के माध्यम से उस वक्ता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से सभी के चित्त में भगवान को स्फुट करके रख रखा है। उस स्थान को उस वक्ता श्रोता सभी को प्रणाम करते हुए बड़े दीनहीन भाव से हनुमान जी श्रवण करते हैं। इसलिए हमारा भी वैसा ही भाव होना चाहिए, कृष्ण कथा राम कथा जब श्रवण करने के लिए जाएं बड़े दीनहीन भाव से उस स्थान को प्रणाम करते हुए श्रोता और वक्ता को प्रणाम करते हुए एक मन से भगवान की कथा सुने। फिर मन दोष जयश सेवक चंचल मन से नहीं एक स्थिर मन से कथा में निश्चल मति रखते हुए अगर हम कथा श्रवण करेंगे तब जाकर ये कथा हमारे लिए मंगलदायक है। यही सब शब्दों के साथ में वांछा कर गुरु कश्यप कृपा से बोले श्री राम का हरे हिंदी सही से बताए कि गलत हो जाएगा सदा में आती ना
जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा उसको सात फायदा होगी। कितना फायदा होगी बोलो जोर से, आज सुनाऊंगा कल आप लोग सुनाना, ठीक है? ध्यान देकर सुना। बोले तब कथा अमृता कहते कथा सुनने का जो पहला लाभ है, कहते जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा जगत में वो अमर बन जाएगा। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि ये शंकर जी माता पार्वती को ये कथा अमरनाथ मुनि ने सुनाए थे, इसलिए इसका नाम है अमर कथा। इसलिए देखो स्वयं शंकर जी कहते हैं ये कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। अरे माता पार्वती कहती है बोले प्रभु आप मेरे को भी सुना दो, अमर तो अमर बन पड़े, लेकिन मैं तो जन्म जन्मांतर में शरीर छोड़ रही हूँ, इसलिए मेरे को भी अमर कथा सुना दो। शंकर जी बोले चलो तेरे को मैं अमरनाथ ले जाता हूँ, वहीं पर ये भागवत कथा सुना। इसलिए देखो ये कथा की कितने महिमा है, जिस ये कथा को सुन करके शंकर और पार्वती स्वयं भी ये अमरत्व की प्राप्त है। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना, हम भी जगत में अमर बन जाएंगे। देखो जिन्हों ने कथा सुनी है देखो जगत में अमर ही बन गए। बोले कौन कौन कथा सुने? बोले देखो शंकर जी पार्वती की कथा सुनाए, ब्रह्मा जी भी कथा सुनते हैं, स्वयं नारद जी भी कथा सुनाते हैं, चतुर्सन भी कथा सुनाते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, और श्री हनुमान जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, अमर हो गए कि नहीं बोलो, अमर हुए कि नहीं, इनके नाम जगत में अमर तो हुई कि नहीं। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना हम भी अमर बन जाएंगे। देखो हमारे गुरु जी को देखो, ये अमर हो गए कि नहीं, ये संसार तो चले गए छोड़ करके, लेकिन इनकी गुण महिमा अभी भी जगत में अमर हो गया। इसलिए जो कथा सुनेगा जगत में अमरत्व की प्राप्ति करोगे। बोले कथा सुनने का दूसरा लाभ क्या है? बोले दूसरा लाभ है बोले तप्त जीवनम। संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कथा। संसार में सब दुखी दुखी है, लेकिन जो व्यक्ति ये भगवान की कथा सुनेगा समस्त दुख उसकी दूर हो जाएगी। इसका प्रमाण को देखो, हम जैसे कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे सब ना सब किसी तरह से संसार में दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से दुखी। लेकिन आप देखना यहाँ पर जितने समय आप बैठे रहोगे ना, आप बताओ घर का तो कोई दुख याद है आपको? आप बोलो संसार का कोई दुख याद है आपको? कोई दुख याद नहीं। लेकिन आप ये गेट से केवल बाहर निकल जाओ, ये गेट से केवल प्यार बाहर रखो ना, देखो ना संसार का सारे दुख पहाड़ जैसे सर पर गड़े, केवल गेट से बाहर निकलते ही। लेकिन जब तक ये मंदिर के अंदर में रहेंगे ना, आपको संसार का कोई दुख नहीं सकेगा, क्योंकि जो मंदिर है ना ये ठाकुर के दरबार है, और जो कथा सुनते हैं ये ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, ठाकुर जी की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बोले श्रवण मंगलम, जो ये कथा को सुनेगा जगत में उसका मंगल मंगल होगा, कभी इसकी अमंगल नहीं होगी। देखो एक छोटी कहानी सुनो, ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से, बच्चों अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। तुम लोग वहां बैठ कर गप्पे मार रहे हो, चार लड़कियां बैठ गई, सब अलग अलग बैठ गया। देखो कथा सुनने का एक नियम है, आप जिसको जानते हो ना उसको पास से थोड़ा अलग होकर बैठ जाए, तब नहीं तो आपस में बात करोगे, घर छोड़ कर कथा सुनने आए फिर संसार की बात करोगे। जो जिसको जानते हो ना थोड़ी से अलग होकर बैठ जाओ, फिर तो एक मन से कथा सुनोगे। देखो एक स्टोरी सुनो, अनजान में भी जैसे ये मंदिर में बैठे हो,
अनजान भी आकर भी यहाँ कथा सुन लिया तो कितने इसकी पुण्य देखो, अच्छे तरह से समझो। यह हमारी गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले एक दिन क्या हुआ, कोई एक फेरी वाला था, वो गांव गांव में फेरी का काम करता था। करते करते किसी गांव में पहुंचा, बड़े दूर चला गया गांव से, सोचा इसी रात को इसी गांव में रह जाता हूँ, कल से ये फेरी का काम शुरू कर दूंगा। गांव में पूछे, यहाँ पर रात को रुकने का कोई व्यवस्था क्या है? पहले हर गांव गांव में मंदिर होता था, कोई अगर आता था उसे मंदिर में रुकते थे। लेकिन जब वो व्यक्ति रात को सोने के लिए गया, देखा गांव पहले नियम, जैसे आप लोग शाम को यहाँ पर कीर्तन करते हो, गांव का नियम था, लोग क्या करते थे, पहले टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, सबके सब मंदिर में बैठ करके मजरा ढोल भी लेकर कीर्तन करते। मैंने सुना आप लोग भी करते हो, उसके धन्यवाद है आप लोगों को जो भी मंदिर में आकर के आप लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, यही नियम है। अभी जब उसने सोने के लिए गया, अभी गांव के लोग आ गए और मजरा ढोल के लेकर के गोविंद जय जय गोपाल जय जय ठाकुर का कीर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो व्यक्ति फेरी वाला था वो तो सोने जा रहा था, जब सबके सब कीर्तन किया, सोचा भैया कहाँ से ये आपत्ति आ गया, परेशान से सोने जा रहा हूँ, ये आकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय करना शुरू कर दिया। वो भी थोड़ा ताली बजा कर लिए, ठाकुर का कीर्तन किया है, थोड़ी सी कीर्तन की। लेकिन देखा उसको बाद में फिर गांव में जो एक संत रहते थे, देखा आपका गांव में भी एक संत है, वहां पर उनकी समाधि नदी है, जिसने आपकी ये तालाब का खुदाई किया, तालाब का खुदाई किया था, यहाँ पर कोई तालाब है क्या? बाबा का नाम क्या है? हाँ, रतनदेव। जैसे वो संत कोई थे, वो आकर के फिर ठाकुर जी कथा सुनाना शुरू कर दिया। जय। इसलिए अभी उन्होंने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। उसने मजबूरी में सोचा इससे तो कोई लाभ है ही नहीं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, जैसे लोग प्रतिदिन सोचते हैं, बोले किसी तरह से टाइम पास कर रहे हैं। उसने एक घंटा तक ठाकुर जी की कथा सुनाए, वो बेमन में दीवाल में सहारा दे करके बोले किसी तरह से टाइम पास कर रहे हैं। एक घंटा कथा समाप्त हो गया, चले गए सबके सब, सो गया। कुछ दिन बाद में इसको मृत्यु हुई। देखो भगवान की कथा की कितने महिमा की चीज को समझो। ये जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त मतलब क्या है, जो गुप्त रूप में हमारी जीवन को सारे फट ले रहा है, जैसे मंदिर में बैठ के कथा सुन रहे, वो कैमरा ऊपर लगा हुआ है, सारे जीवन का हिसाब किताब जो कर रहे हैं। अभी मरने का बाद चित्रगुप्त ने जब महाराज बोले इसका जीवन के कापी खोलो, कितने पाप और कितने पुण्य किया। चित्रगुप्त ने कहा ये व्यक्ति तो दिन भर झूठ बेईमानी करके पैसा कमाता था, कोई जीवन में पुण्य नहीं। बोले बताओ थोड़ी बहुत होगा। बोले हाँ, किसी गांव में किसी मंदिर में जब वो सोने जा रहा था, एक घंटा सत्संग और थोड़ी सी कीर्तन किया, इतने ही इसका पुण्य और कोई पुण्य नहीं। बोले एक घंटा सत्संग कीर्तन की? बोले हाँ। बोले देखो तेरे को एक घंटा स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि भक्ति से तुमने कथा नहीं सुनी, किसी तरह से तुमने कथा सुना। अगर भक्ति भाव से सुनते तो कोई विशेष फल की प्राप्ति हुई, लेकिन तुमने नेगलेक्ट भाव से कथा सुनी, इसलिए एक घंटा तेरे को स्वर्ग कर नरक जाओ। बताओ पहले स्वर्ग लोगो ना नरक लोगो? बोले नरक तो जाना ही है, मैंने सुना स्वर्ग कोई बढ़िया जगह होता है, एक घंटा हमें स्वर्ग घुमा लो। उसको जब तो बोले एक घंटा स्वर्ग घुमा कर वापस ले आओ। अब उसको ले गए, वहां का जो दरबार था, बोले ये हमारे आशा भी इसको एक घंटा स्वर्ग घुमा करके वापस दे दे। लेकिन जब उस स्वर्ग में गया, वहां तो देखा रंभा उर्वशी मेनका कि आज स्वर्ग की चकाचौंध। उसको पता है एक घंटा बाद नरक जाना हमें। बोले भैया एक घंटा स्वर्ग को घूम करके देख लेता, यह होता ही क्या? उसने एक ही कोने में देखा, कोई जा नहीं रही। बोले इधर क्यों नहीं जा रहे? जब उधर गया देखा चतुसन है, ब्रह्मा का चार मानस पुत्र, वहां पर भगवान से बामक थे, और वहां पर ये चतुसन जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, वहां पर भी ऐसे कथा हो रही थी। उसको याद आया ये चित्रगुप्त ने बताया था मैंने कहीं एक घंटा कथा सुनी, इसलिए एक घंटा स्वर्ग मिला। भाई यहाँ भी कथा हो रही है, अगर यहाँ पर और एक घंटा कथा सुनेगा तो मेरे को दो घंटा स्वर्ग हो जाएंगे। उसने
स्वर्ग को भोग भोगा नहीं, सीधा उसने कथा में बैठ करके सबके सामने वृंदावन बिहारी लाल की, सबके सब हरि बोल बोल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, वो भी कीर्तन हरि बोल करने लग गए, वो भी कथा सुनी। लेकिन जब एक घंटा खत्म हो गया, अभी जब जमदूत बोले भैया हमारे आदमी को वापस दो, एक घंटा स्वर्ग हो गया, उसने ढूंढा वो गया कहाँ, ढूंढते ढूंढते देखा वो तो कथा में बैठा हुआ है, भगवान की कथा में बैठे हुए। देखो जो व्यक्ति ठाकुर जी की कथा में बैठे ना, आप ठाकुर जी की गोद में बैठे, अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए, जब तक आप ये कथा से नहीं उठोगे, जब दूध भी यहाँ से आपको उठा करके नहीं ला सकते, और जब दूध बाहर गेट के बाहर खड़ा नहीं, क्योंकि जो कथा सुनते हैं वो ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए होते हैं। वो बोला भैया ये व्यक्ति बड़ा चालाक निकला, ये तो कथा में बैठ गया, ये तो स्वर्ग भोगा ही नहीं, अभी उसने दो घंटा स्वर्ग हो गई, दो घंटा तक जमदूत इंतजार किए, लेकिन उसने जब देखा एक घंटा बाद में कोई लेने नहीं आए ना, वो उठेगा क्या, जम करके बैठ गया, बोले यहाँ से और हमें उठना नहीं, ठीक उठते ही तो जमपुर ले जाएंगे, बस उसने कथा सुनते रहा। और जमदूत दो घंटा तक इंतजार किया, चार घंटा करते करते वापस चले गए, और उसने वहीं से कथा सुनते सुनते नष्ट हो गया, और सीधा वहीं से उसने ठाकुर जी के पास में चले गए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की है। देखो अनजान में भी अगर कोई व्यक्ति ये भगवान की कथा में बैठ गया हो तो भैया ये समय तुम्हारी बर्बाद नहीं जाएगी, इसका फल जरूर आपको मिलेगी, बड़ी पुण्य है। इसलिए गोपियां कहती है श्रवण मंगलम, भगवान की कथा जो सुनेगा उसको जरूर मंगल मंगल होगा, उसको कभी जीवन में अमंगल कभी होगी नहीं। बोले श्रवण मंगलम, बोले श्री मदादतम, कथा सुनने का बोले पंचमा लाभ किया, बोले जो व्यक्ति कथा सुनेगा उसको घर में लक्ष्मी भी बढ़ेगी, उसको सौंदर्य भी बढ़ेगा, उसकी शोभा भी बढ़ेगी, इसकी स्त्री भी बढ़ेगी, इसकी जस भी दुनिया में होगी जो कथा सुनेगा। बोले ता मतलब जो कथा सुनेगा उसका संसार की समस्त बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, बोले जो ये श्रीमद् भागवत कथा को जो दान देते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। एक बार भागवत की जयकार लगाओ, बोले श्रीमद् भागवत कथा इसलिए कहती है श्रीमद् भागवत कथा में, कहती है धुंधुकारी की कथा थी, आप लोग सुने होंगे बहुत बार कथा, लेकिन ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, उसने अपना पिताजी को इतने सताया, पिता घर में छोड़कर चले गए, मैया को इतने सताया उसने, मैया कुएं में आत्महत्या की, फिर छह छह बेस्या को उसने घर में बुला कर रखे, फिर उनके लिए डाकू डाला, लास्ट में क्या किया बेस्या ने, बुरी तरह से उसको गले में फांस डाल करके, छह बेस्याओं ने दो हाथ दो पकड़े दो पैर दो पकड़े, गले में रस्सी डाल करके मुंह में अंगार को ठोस ठोस कर मार दिए, वो बन गया प्रताप। लेकिन गोकर्ण जब गया में पिंड दिया, नियम है गया में एक बार कोई पिंड दे देना जरूर उधार होगा, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, गया में जब पिंड दे करके वापस आया ना, देखा प्रेत प्रेत बन के तो बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मेरे नाम पर 100 बार भी गया पिंड दो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सूर्य देव को प्रश्न किया उधार कैसा होगा, बोले भागवत कथा से। ये चीज को समझो अच्छे तरह से, मतलब हम जितने से बड़े पापी क्यों नहीं हो, एक बार आओ केवल भागवत कथा में बैठ जाओ, कभी ये भागवत कथा जरूर तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते, इतनी महिमा ये कथा की। लेकिन ये कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनने का भी तो नियम होता है ना कथा सुनने की, इसलिए जब उन्होंने कथा सुनाए पहले पहला बार केवल एक रथ आया, सभी के लिए रथ नहीं आए, फिर गोकर्ण ने फिर प्रश्न किया यहाँ तो कथा सब सुन रहे एक ही रथ क्यों आए, बोले कारण है जैसे कथा सुननी चाहिए केवल एक व्यक्ति सही सही कथा सुन,
सब व्यक्ति सही सही कथा नहीं सुनी, इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले एक मन से कथा सुननी चाहिए, एक मन से नियम से कथा सुन, ठीक है ना। इसलिए भागवत में श्रोता दो तरह के बोले, कितने तरह के श्रोता हैं बोलो जोर से, दो तरह के। आज मैं बताऊंगा, कल मैं सुनूंगा आपसे क्या क्या सुन, ठीक है। एक मन से सुनो, बोले दो तरह के श्रोता है, एक बढ़िया श्रोता उत्तम श्रोता और एक घटिया श्रोता। कहते जो उत्तम श्रोता है, कहते वो चार ही तरह के हैं, कितने तरह के हैं, अरे बोलो जोर से, चार तरह के हैं। बोले पहला नंबर है हंस, जैसे आप हंस को दूध दो, देखे ना वो दूध दूध तो पी लेगा, लेकिन ये पानी पानी को छोड़ देता है। हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, हंस जैसे, मतलब सार सार को तो लो और असार को त्याग दो। बोले दूसरा नंबर है मक्खी और एक मधुमक्खी। आप देखना कि मक्खी और एक मधुमक्खी, मधुमक्खी को देखिएगा, भैया कांटा के वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, वहां भी बैठ करके शहद को ग्रहण कर लेगा वहां भी, लेकिन मक्खी कहाँ पर बैठता है बताओ, मक्खी कहाँ पर बैठता है। जैसे एक फूल की बाग है, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, लेकिन अगर मक्खी पहुंच जाएगा कहाँ पर बैठेगा, फूल के ऊपर बैठेगा, कहाँ पर बैठेगा, वो गंदी चीज में बैठेगा, वो फूल के ऊपर नहीं बैठेगा, लेकिन चारों तरफ पे गंदी गंदी चीज है, लेकिन एक वहां फूल खिला हुआ मधुमक्खी कहाँ बैठेगा, फूल के ऊपर बैठेगा। इसलिए कहते हमें मक्खी नहीं बन करके हमें जीवन में मधुमक्खी बनो। इसलिए हर फूल से जैसे मधुमक्खी शहद को लेकर के सुंदर एक छत्ता बना देती है और उससे ठाकुर को सेवा होता है, भगवान की अभिषेक होता है। इसलिए दूसरा नंबर बताए ये मधुमक्खी, तीसरा नंबर बताए मछली। अब मछली को देखिएगा, उसको जो आंख का जो पलक है ना वो झलती नहीं, हर समय उसकी आंख खुली हुई रहती है। जैसे ये मछली खीर समुद्र में खुली हुई नेत्र को तरह जैसे केवल दूध पान करती है, हमें श्रोता कैसे बननी चाहिए, मछली जैसे, मतलब एक मन से हमें कथा सुननी चाहिए। जो चौथा नंबर बताए ये चातक, ये एक चिड़िया है, ये चातक की एक विशेषत्व है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो कौन सा पानी पीता है, जब बरसात होना वो स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। इसका तात्पर्य है हम कथा सुनेंगे तो किसकी कथा सुनेंगे, बोले ठाकुर जी की कथा सुना, दुनियादार की कथा हमें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ठाकुर हमें ये दुर्लभ मानव शरीर दिया और इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करते हुए हम ठाकुर जी को पास में पहुंच सकते हैं। अगर ये जीवन पा करके दुनियादारी कथा को अगर आपस में चर्चा की पर जीवन बेकार चला गया। इसलिए हमें चातक बन करके सुननी कथा तो ठाकुर की कथा सुना, जिससे सुनने से हमारी मंगलमय होगा। बोले ये चार तरह के अच्छे श्रोता है, बोले चार तरह का घटिया श्रोता। पहला नंबर है घुरुंडू, ये एक चिड़िया ये हिमालय पर्वत में रहता है, इसका एक विशेष गुण है, आप इसको जैसे सुनाओगे ना वो ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन जब करेगा पूरा के पूरा उल्टा करेगा, मतलब क्या, कोई व्यक्ति कथा सुनेगा भी सुना भी लेगा, लेकिन अपना जीवन में वो कथा को उतारना नहीं, कभी भूल। दूसरा नंबर है भेड़िया, ये छोटे जाति का एक बाघ होता है, वो हिरण को कब आक्रमण करता है वो उसको पता, मैं हिरण को पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन हिरण जब कोई सुंदर शब्द सुन करके वो मुग्ध हो जाता है, ठीक उसी समय में उसको आक्रमण करता है। मतलब क्या है, कुछ ऐसे श्रोता है खुद कथा सुनते नहीं, लेकिन जो पास में जो बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनने नहीं देते। इसलिए नियम है, कथा सुनते समय नियम है, कभी बीच बीच में कभी बात नहीं करनी चाहिए, सबसे अलग होकर बैठ कर कथा को सुननी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। और जो तीसरा नंबर बताइए ऊंट,
अब ऊंट को कोई कोमल कोमल बता दो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबूल का पेड़ कहाँ पर है, वो कांटा की वृक्ष खाता है। मतलब क्या, जो ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथाओं को नहीं सुन करके ये दुनियादारी की कथाओं को जो सुनते हैं उनको बताए ऊंट, और जो चौथा नंबर बताए बैल, कहते बैल को जैसे भूसा दे दो नहीं तो कोई सुंदर फल दे दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है, ये दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या है, ठाकुर जी कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कोई चर्चा हो, कहते ये दोनों को जो बराबर मानते हैं कहते ये बैल। इसलिए बोले भागवत जो कथा है कहते ये चार तरह का है। कितने तरह का है, बोले ये चार तरह का है। माता जी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, प्रसाद लेकर के जाना। बच्चा तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, कथा तो बीच से नहीं जानी चाहिए। ए बेटा तुम भी बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इसलिए बोले हाँ, बोले कथा चार तरह का है, बोले सात्विक राजसी तामसिक और निर्गुण। कहते सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे 1 महीना 2 महीना कथा सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा नहीं सुने। बोले राजसी कथा किसको कहते हैं, बोले कथा तो बड़ी धूमधाम से आयोजन की है लेकिन खुद कथा जो नहीं सुनते हैं इसको राजसी कथा कहते हैं। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, कभी सुने कभी नहीं सुने, कब मन लगाए कभी खड़े होकर चल दिए, इसको कहते तामसी कथा है। लेकिन इस निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले जो रोज नियम करके भागवत पढ़े नहीं तो भगवत गीता पढ़े नहीं तो रामायण पढ़े। बोले जिस घर में एक श्लोक हो भागवत का, अगर एक श्लोक नहीं आधा श्लोक हो, आधा श्लोक नहीं एक चौथाई श्लोक भी अगर किसको घर में पढ़ाई हो ना, बोले साक्षात श्री राधा कृष्ण उसकी घर में निवास करते हैं। इसलिए नियम है घर में रामायण हो भागवत गीता हो रोज कुछ ना कुछ घर में पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। कहते इसलिए जो अपना जीवन को ही कथा बना दे, मतलब नियमित करके रोज कथा सुने नहीं तो गीता रामायण को पढ़े, अगर ऐसे कोई अगर जीवन को बिताए तो कहते यही कथा सही कथा है। ठीक है, देखो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कितने से कितने तक कथा सुनोगे आप लोग, बोलो जितना समय से जितना समय बोलेंगे ना हम उतना से उतना समय तक कथा सुनाएंगे। बोलो कितने से कितने समय तक आप लोग, आपसे कुछ भाई लोग आप लोगों बताओ, नहीं तुमको नहीं जो जो कथा सुनने वाले हमसे पूछ रहे हैं। हाँ हरे कृष्णा बताओ, 3 से 6 ठीक है। आज पहला दिन है, थोड़ी समय हम लोगों ने कीर्तन करने गए थे, कल से 3 से 6 बजे तक, क्योंकि आप लोग घर का काम होगा, माता को रोटी भी बनानी है, हैं सब्जी भी बनाने हैं, कल माता 3 से लेकर के 6 बजे तक आना, ठीक है माता। और नियम है देखो कथा का, कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान कैसे सुननी चाहिए, हनुमान की कथा से पहले पहुँचते हैं और एक मन से अश्रु विसर्जन करते हुए हाथ जोड़ करके हनुमान की कथा सुनते हैं। इसलिए नियम है कथा से पहले आए और कथा की विश्राम होने पर प्रसाद लेकर कथा से जाए, ठीक है। और हमारे गुरु जी कहते थे, देखो ध्यान देकर सुनो, गुरु जी कहते थे एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को लाना, कल जितने अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला करके ले आना, ठीक है। आप लोग भी सबको लेकर कथा सुनने के लिए आओ, हम लोग तो वृंदावन से आए हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, देवता स्वर्गलोक से, शंकर जी शिवलोक से और हनुमान जी वैकुंठ से कथा सुनने के लिए आते हैं। आप लोग तो अपना गांव से आए, ठीक है, सबके सब कल सबके सब सबको लेकर के आना और बड़े धूमधाम से कथा सुनना और सबके सब प्रसाद लेकर जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आप लोग एक बार खड़े हो जाओ, प्रसाद लेके जाना, ठीक है। प्रसाद अगर देने वाले को उसको ले आओ प्रसाद को, बढ़िया से और इसी के नाम में हरि नाम की जय।
मांगी